हाउसेस के बारे में आपको पता ही है कि 9 12 हाउसेस कौन कौन से होते हैं, उसके बारे में जरूरत तो नहीं है मेरे हिसाब से। 9 प्लैनेट भी आपको बताने की जरूरत नहीं है। 9 प्लैनेट्स की थोड़ी सी मुझे एक्स्ट्रा नॉलेज देनी है तो उसको थोड़ा सा करूँगी। ठीक है, सन है। सन क्या है? सन आपकी कोर है, आपकी मन की इच्छा, आपको जहाँ रहना पसंद होता है वो सन है, जहाँ आपको अच्छा लगता है। सरोजी म्यूट कर लीजिए, कुछ पूछना हो तो अनम्यूट हो जाना। जहाँ आपको जाना अच्छा लगता है, सकते हैं। एक मिनट, इसके लिए हम ये कह सकते हैं सन के लिए कि किसी भी चीज़ की गहराई तक जाना, ये आपका सन है। जड़ पकड़ना किसी भी चीज़ की, ये आपका सन है। अगर आप जो है किसी चीज़ की गहराई तक नहीं पहुंच पा रहे, अब जैसे आप एस्ट्रो वास्तु ही कर रहे हैं लेकिन आपने कई कोर्स कर लिए लेकिन फिर भी आप उसकी मेन जड़ तक अभी भी नहीं पहुंच पा रहे, कुछ कमी लग रही है आपको अभी भी, इसका मतलब सन पर कोई नेगेटिव हिट है। ठीक है, तो इनके मेन मेन जो एट्रीब्यूट है इसे आप नोट डाउन करते रहना। सन मतलब क्या है? किसी भी चीज़ की गहराई तक पहुंचना। मोई जी कैमरे पे आइए सामने। तो सन, जैसे मैंने अभी आपसे कहा कि आपकी कोर है, आपकी आत्मा है, तो ये आपके सन जिस भाव में बैठेगा वहाँ आपकी आत्मा बसेगी। कह सकते हैं कि वहाँ आपको रहना अच्छा लगेगा, उस माहौल में रहना आपको अच्छा लगेगा जहाँ आपका सन होगा। और मैंने भाव की बात करी है, भाव से मतलब क्या हो गया आपका केपी चार्ट में, क्योंकि तो ग्रहों की प्लेसमेंट हम कहाँ से देखेंगे? केपी चार्ट से देखेंगे, पता है आपको ये। ठीक है, तो सन जिस भाव में होगा वहाँ आपकी आत्मा बसेगी, आपको वहाँ रहना अच्छा लगेगा। आप किसी बंदे की आपने कुंडली उठाई तो आप देखेंगे जहाँ केपी में उसका सन बैठा है, आप उसे तुरंत कहेंगे कि आपको क्या यहाँ रहना अच्छा लगता है, ये माहौल अच्छा लगता है। मान लो सन आपके सेकंड हाउस में है तो उसको कहाँ पे अच्छा लगेगा? फैमिली में रहना अच्छा लगेगा। फोर्थ में है तो अपने घर परिवार में रहना अच्छा लगेगा। सिक्स फर्स्ट में है तो फर्स्ट में है तो खुद से खुश है वो, उसे दुनिया से खुद से खुश हो गया ना, से खुश है। उसे दुनिया से मतलब नहीं है। 12th में है तो आइसोलेट, अकेलापन या फिर फॉरेन कल्चर। अगर किसी का सन जो है 12th हाउस में है तो हम कह सकते हैं कि वो बैठ के जो है अपना अकेले में जो है विदेशी मूवीज, फॉरेन मूवीज वगैरह या फॉरेन की पिक्चर्स देखना पसंद करेगा, वो कल्चर उसे पसंद आएगा। ठीक है, और अगर 9 में है तो वो कहाँ उसको अच्छा लगेगा, कहाँ उसकी आत्मा बस रही है? मंदिरों में, पुजारियों में। ये हम जो है प्लेसमेंट से पहचानेंगे कि हमारा सन कहाँ बैठा है और वो हमारे संग क्या घटना घटित कर रहा है। ठीक है, सन में क्या क्या आते हैं आपको पता है? सन में आपके फादर आते हैं, सन में आपके गवर्नमेंट सिंबल आता है कोई भी, आपका फेम, आपके पॉलिटिशियन स्टेटस, मेडिसन्स, आईज, कॉन्फिडेंस, ये सब सन में है। ये सब मैं आपको पहले लिखवा चुकी हूँ। मोहित जी आपके पास है ये नोट्स, ये आपको बनाने हैं। मैम कौन से वाले कह रहे हैं आप? अभी जो मैं चीज़ बता रही हूँ ये आपके नॉलेज में है या आपको लिखना है ये? मैं थोड़ा बहुत लिख रहा हूँ, बस एक दो दो लाइन के लिए, हाँ ज्यादा तो नहीं लिख ठीक रहा। है, जो जो आपको सही लगे उसे आप नोट डाउन कर लेना, आपको नॉलेज है वैसे कुंडली की, है ना? ठीक है, तो सन का जैसे एट्रीब्यूट क्या है? किसी के आगे झुकेगा नहीं ये बंदा, इसके हिसाब से दुनिया चलनी चाहिए, और अगर इसके हिसाब से दुनिया नहीं चली तो इसको वो दुनिया बहुत बेकार लगती है। शेर है ये, अपने भूख लगेगी तो खाना है, नहीं तो नहीं खाना, बस ये सन है आपका। अगर भूख लगी तो खाना खाना है, नहीं तो पेड़ के नीचे चक सोना है। मेहनत नहीं होती इससे, मेहनत कब करेगा? जब बहुत ज़्यादा भूख लगेगी तब शिकार पे हमला करेगा ये। ठीक है, ये सन वाले बंदे हैं। और इसके यदि हम वास्तु की बात करें तो वास्तु में इसकी सूर्य की रोशनी जहाँ कहीं होगी वो सन है आपका। एस्ट्रो वास्तु है ना ये, तो उसमें सूर्य की रोशनी जहाँ से आएगी वो सन है। एंट्रेंस आपकी सन से देखी जाती है, कोई भी आपका येलो कलर है, कोई भी फादर की पिक है, ये सारे आपके सन से देखे जाएंगे। अब जो मैं एक्स्ट्रा जो ऐड कर रही हूँ, एक्स्ट्रा की जो बात है ये तो आपका पुराना ही है जो मैंने बताया है। एक्स्ट्रा जो चीज़ है वो ये है कि आपको अपने जो सन है, आपका जो खुद का जो सन है, सूर्य है, उसको कैसे सुधारना है।
सन क्या गलती करता है? सन वाला बंदा, मान लो कोई सिंह लगन वाला बंदा है, वो क्या गलती करेगा? किसी की भी ग्रुप में खड़े हैं और ग्रुप में ही हंसी हंसी में किसी का मजाक उड़ा देना, ठीक है? अब क्योंकि ये तो बंदा सन वाला है, तो ये तो इसके आगे कोई दूसरा बंदा तो बोलेगा नहीं, लेकिन दूसरे इंसान को वो बात बहुत पिंच हो जाएगी। फिर वो क्या करेगा? फिर उसके वो पीठ पीछे छुरा घोंपेगा। सामने हिम्मत नहीं करेगा दूसरा बंदा, लेकिन पीठ पीछे छुरा घोंपेगा, ठीक है? तो कहने का मतलब क्या है कि जो सन वाले बंदे हैं, या आप खुद की रेमेडीज करो कि हमें अपने सन को कैसे जो है पॉजिटिव बनाना है, तो आप कभी भी किसी का भूल के भी जो है मजाक मत बनाओ। हंसी हंसी में भी किसी को ऐसा मत बोलो कि उसे बात टीस हो जाए। ये सन को हमें कर्मा ऑफ सन होता है ये, कि हमें सन को कैसे पॉजिटिव बनाना है। हमेशा जो है अपने पिता की रिस्पेक्ट करनी है, चाहे उन्होंने आपके लिए लाइफ में किया है या नहीं किया है, लेकिन उनकी रिस्पेक्ट करनी है, तो सन आपका पॉजिटिव है। और सबसे ज्यादा आपको जो है, ये तो सन है क्योंकि सन तो पिता हो गए तो उनकी तो रिस्पेक्ट करनी है। इसके अलावा सन जिस भाव में बैठता है, जिस भाव में, जिस हाउस में बैठता है, उस घर के लोगों की इज्जत आपको करनी ही करनी है, अपनी कुंडली को सुधारने के लिए, अपनी कुंडली के सन को सुधारने के लिए। आपको उस भाव के जो भी रिलेटिव बनेगा उसकी आपको इज्जत लाइफ टाइम करनी है। जैसे आपका सन मान लो 7th हाउस में बैठ गया, तो आपको किसकी इज्जत करनी होगी? ना चाहते हुए भी अपने लाइफ पार्टनर की, अपने बिजनेस पार्टनर की, इनकी रिस्पेक्ट आपको करनी है, तो सन आपको ऊंचाइयों पे लेके जाएगा। अगर आपका सन जो है 4th हाउस में बैठ गया, तो आपको अपनी माँ की इज्जत करनी ही करनी है। हालांकि सभी करते हैं, लेकिन उन्हें ओवर लिमिट रिस्पेक्ट देनी है। समझ आए? ये रेमेडीज क्या होती हैं? कोई भी हमें हिट दे रही है, कोई भी प्लेनेट हिट दे रहा है, कोई भी आपका हाउस को हिट आ रहा है प्लेनेट का, वो सब अलग चीज़ है। लेकिन कुछ रेमेडीज हम खुद करते हैं अपने कर्मा को सुधार के, यानी कौन से जन्म का, हम कहते हैं कौन से जन्म का जो है हमें बदला लिया जा रहा है, हमने जाने कौन से ऐसे कर्म किए हैं जिसका हमें ऋण चुकाना पड़ रहा है। ये वही चीज़ है कि आपकी कुंडली में सन कहाँ बैठा है, उसकी आपको रिस्पेक्ट करनी है पूरी लाइफ, तो अगले जीवन में वो सन आपको परेशानी नहीं देगा, और इस जीवन में भी वो आपको प्रोटेक्शन देता चला जाएगा। सन का काम क्या है? ऊंचाइयों पे लेके जाना, तो वो अपना काम करेगा फिर, ठीक है? तो आपको दो चीज़ समझ आई कर्मा ऑफ सन की। एक तो आपको कभी भी 4 जनों में कभी भी जो है किसी बंदे की इंसल्ट नहीं करनी है, तो आपका सन पॉजिटिव है। और दूसरा क्या है कि अपना जहाँ सन आपका बैठा है, जिस जगह पे, उससे रिलेटेड हाउस में जो भी रिलेटिव है उस हाउस से रिलेटेड, उसकी आपको रिस्पेक्ट करनी है। क्लियर है इतना सन के बारे में? अगर सन आपका जो है मान लो 6th हाउस में है, तो आपको किसकी रिस्पेक्ट करनी होगी बताइए? मामा की, और जहां सर्विस कर रहे होंगे। हाँ, जहाँ जॉब कर रहे हैं वहां के लोगों की, और जहाँ आप सर्विस दे रहे हैं वहाँ की, और मामा के, ननिहाल पक्ष की, है ना? चलिए मून के बारे में चलते हैं।